हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर विकास सिंगल, सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ जी एंड बेरियाट्रिक सर्जरी एट मेदांता मैरी सिटी हॉस्पिटल इन गुड़गांव. सो आई वांट टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ बेरियाट्रिक सर्जरी एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी. सो बेरियाट्रिक सर्जरी, जिसको वेट लॉस सर्जरी भी कहा गया है या मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहा गया है, इज अ सेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस. इन सब ऑपरेशंस को हम इकट्ठे बेरियाट्रिक सर्जरी बोलते हैं. बेरियाट्रिक सर्जरी करने के कई कारण होते हैं. कुछ पेशेंट्स को सिर्फ वेट लॉस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ को वेट लॉस के अलावा जो वजन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जॉइंट पेन्स, स्लीप एपनिया, हार्ट प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, फैटी लीवर, इतनी सारी जो हेड टू टो प्रॉब्लम्स ओबिसिटी या वजन के साथ जुड़ी हुई होती है, उन सब के ट्रीटमेंट के लिए हम ये सर्जरी करते हैं. बट पर्टिकुलर इंडिकेशन इन अ पेशेंट में बी डिफरेंट, वेदर इट इज़ फॉर वेट लॉस और इट इज़ फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वन ऑफ द वेट एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स. ये जो सर्जरी होती है, ये कई बार कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे लाइपोसक्शन से कन्फ्यूज़ की जाती है. बट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज दैट दिस इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर. दिस इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रोसीजर, GI ऑपरेशन दैट इज़ डन विद लैप्रोस्कोपी, जिसमें छोटे छोटे कट्स आते हैं और इसमें या तो हम स्टमक, जो खाने की थैली होती है स्टमक, उसको छोटा करते हैं, या फिर जो इंटेस्टाइन होती है उसको हम बाईपास करते हैं. सो जो कॉमन टाइप्स ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी है, जो दुनिया भर में 90% बेरियाट्रिक सर्जरी की जाती है, वो दो टाइप की होती है, या तो स्लीप गैस्ट्रेक्टमी या गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर. इन दोनों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा. स्लीप गैस्ट्रेक्टमी प्रोसीजर इज़ अबाउट 60% ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी डन वर्ल्ड वाइड. स्लीप गैस्ट्रेक्टमी में हम स्टमक, जो अमाशय होता है, उसको छोटा कर देते हैं. उसको हम लैप्रोस्कोपी की हेल्प से स्टेपल करके उसका ऑलमोस्ट हम 70% पार्ट जो है, जो साइड वाला पोर्शन है, उसको हम छोटे कट से रिमूव कर देते हैं. जब ये स्टमक छोटा हो जाता है, एक तो आपका गैस्ट्रिक जो रिजर्वायर है वो छोटा हो जाता है, दूसरा जो पार्ट हम रिमूव करते हैं वो भूख के लिए, एपेटाइट के लिए हॉर्मोन्स बनाता है, केमिकल्स बनाता है. जब वो पोर्शन हम रिमूव कर देते हैं तो एपेटाइट कम हो जाती है, भूख कम लगती है. सो टिपिकली पेशेंट्स का जो खाने की मात्रा है, जिसको हम कहते हैं पोर्शन साइज, वो हाफ से कम हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल, पहले अगर कोई 3 रोटी खाता था, तो सर्जरी के बाद उनकी जो डाइट है वो टिपिकली 1 से 1.5 रोटी की हो जाती है. ज़्यादा प्रोटीन, रोटी वगैरह कम हो जाती है. सो सर्जरी वर्क्स बाय लिमिटिंग द डाइट, रिस्ट्रिक्टिंग द डाइट, वन ऑफ द मेन थिंग्स. द सेकेंड मेन थिंग दैट हैपन्स विद स्लीप गैस्ट्रेक्टमी इज दैट देर आर मेटाबॉलिक चेंजेस. जो बॉडी का ग्लूकोज जो हम डाइट में लेते हैं, वो उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, वो शरीर को कम अब्जॉर्ब होता है. तीसरी चीज़ जो होती है, जो बॉडी का इंसुलिन कम काम कर रहा है, जो शरीर की चर्बी के लिए केमिकल जलाते हैं वो कम काम कर रहे होते हैं, वो सर्जरी के बाद बेटर काम करने लग जाते हैं. सो ये जो एक इम्बैलेंस है, जो हम कैलोरीज लेते हैं और जो कैलोरीज खर्च करते हैं, उसके बीच का इम्बैलेंस सर्जरी से करेक्ट होता है, ठीक होता है. ऐसे ही गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर, जिसमें कि ना कि सिर हम स्टमक को भी छोटा करते हैं, बल्कि शुरू की आंत को भी हम बाईपास कर देते हैं. ये गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए बहुत साकार रहता है, क्योंकि शुगर ऑपरेशन से अगले दिन ही कई बार काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है. ऑलमोस्ट 70% क्योर रेट होता है डायबिटीज़ का गैस्ट्रिक बाईपास प्रोसीजर के तुरंत बाद. सो दीज आर द कॉमनली डन सर्जरीज. जब पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो हम एक बहुत डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं कि उनके लिए कौन सी टाइप की बेरियाट्रिक सर्जरी ठीक रहेगी. ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उनकी डाइट क्या है, क्या वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उनकी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स क्या है, क्या वो डायबिटिक है, क्या उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है. इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पेशेंट के साथ एक डिसीजन लेते हैं कि उनके लिए कौन सी टाइप की बेरियाट्रिक सर्जरी या वेट लॉस या मेटाबॉलिक सर्जरी उनको सूट करेगी. इन सभी सर्जरी के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, जो हम डिटेल में, जब आप असेसमेंट के लिए आते हैं, हम काफ़ी डिटेल में ये सब डिस्कस करते हैं. एंड सब्सिक्वेंटली वी टेक अ डिसीजन कि आपके लिए कौन सी टाइप ऑफ बेरियाट्रिक सर्जरी बेस्ट रहेगी.
So for further details, you can look at the website and look at the further videos about bariatric procedures on our YouTube channel. Final thing will be a one-to-one detailed consultation when you come to us to decide the type of nature of surgery.